देखिए, जब से हम चाचा और भजन छोड़े हैं संसार में, कितने फोन आता है, गुरु बहना लोग फोन करती है हमारे पास कि दीदी हम उन लोग के ऐसे बताए हैं करने के लिए, वैसे बताए हैं करने के लिए, ऐसे बताए हैं करने के लिए, और हम उन लोग के समझाते हैं, समझाते के अलावे भी गुरु बहना लोग फिर भी एक बतिया दोहरिया दोहरिया पूछते रहती है, बताइए भैया लोग दीदी लोग कि अगर थोड़ा सा इशारा एक बच्चा के हम लोग दे देते हैं तो बच्चा समझ जाता है। मास्टर कहते हैं बच्चा लोग के ऐसे लिखिए तो मास्टर लिखता है, बच्चा लिखता है मास्टर के कहना पर। लेकिन हमारे गुरु भाई गुरु बहना इतना काबिल है संसार में कि जिस तरह के साहब बता रहे हैं बात, इस तरह से आपको सुख मिलेगा, इस राह पकड़ के चलिए, अच्छा आदमी के संग धरिए, अच्छा आदमी के बात सुनिए, उनको बात सुनने वाला संसार में कोई नहीं है। उनके साहेब के नाम धर के कोई गुरु भाई चलाता है और कहता है कि जो है से हम ही है, हरिंदर क्या करेंगे, हरिंदर से हम ऊपर हैं और जो हम कहते हैं वही आप लोग कीजिए। हम लोग एक अदना गरीब आदमी जो इंसान है उनके पीछे पड़ जाते हैं, पड़ जाते हैं तो उनके भाव जो है बढ़ जाता है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, ऐसा काम आप लोग मत कीजिए, जैसे साहब कहते हैं कम से कम साहब का बात का यकीन कीजिए कि साहब क्या कह रहे हैं। साहब खराब होने के लिए नहीं कह रहे हैं, अच्छा अच्छा धर्म का राह बता रहे हैं साहब कि ऐसा राह चलिएगा तो धर्म का आपको राह मिलेगा, और दूसरे किसी का धर्मी के साथ धरिएगा तो उस आपको कचड़ा वाला राह धराएंगे, काटा कूस वाला धराएंगे, अच्छा राह नहीं करेंगे। तो कम से कम साहब का वाणी के आप लोग विचार कीजिए, सब कोई झूठ नहीं बोल सकता है, कोई तभी सत्य बात बोल सकता है। साहब का कहा हुआ वाणी हम लोग का औकात है कि अपने से हम लोग छाप के बोलेंगे। साहब हमारे इतना सुंदर सुंदर बात कहते हैं कि अगर साहब का थोड़ा सा बात अगर अमल कर लीजिएगा तो जीवन में धन ही धन हो जाइएगा और जीवन आप लोग का सिर हो जाएगा। तो बहुत सा गुरु भाई गुरु बहना लोग बात नहीं सुनते हैं साहब के, गुरु भाई गुरु बहना लोग के बात सुनते हैं, साहब के बात कहाँ सुनते हैं। हम बार बार कहते हैं, बार बार हमारे पास इतना बेचैनी लोग छा लिया है गुरु भाई गुरु बहना के, इतना बेचैनी छा लिया है का के लिए, प्रसाद के लिए। बार बार हमारे पास फोन आता है का चीज का प्रसाद चढ़ाना चाहिए दीदी, काहे लच्छेदाना बादाम नहीं चढ़ाया जाता है। विचार कीजिए कि वही वही गुरु भाई गुरु बहना जब हॉस्पिटल में जाते हैं तो लाख रुपया जब डॉक्टर सुनाता है तो उनको दिमाग घूम जाता है, कहाँ से इतना रुपया लगाएंगे। वहाँ रो करके गुरु से दया मांगता है, गुरु वहाँ 50,000 के काम कर देते हैं, 50-100 में अठानी हो जाता है उनका फायदा। तो क्या कहते हैं घर पर आते हैं तो कि का करे, शिव को तो गुरु मनवे किए हैं, गुरु तो हमको दया किए हैं, लेकिन का करे अभी हाथ बड़ी सके थे लच्छेदाना बादाम का काम चला देते हैं। शर्म लगना चाहिए कि बार बार हमारे पास लच्छेदाना बादाम के ऑर्डर आ रहा है। अरे आप लोग को समझना चाहिए कि हम एक मानव तन हो के इतना सुंदर सुंदर खाना खाते हैं, हमारे साहब हमारे शिव गुरु महेश्वर उनके दिया हुआ एक 5 तत्व के शरीर चल रहा है, उनके दिया हुआ हम लोग अन्न खा रहे हैं, उनके दिया नयन से ताक रहे हैं, और उन्हीं के आप लोग इतना गलत व्यवहार से ताक रहे हैं तो क्या आपको दया मिलेगा, कभी नहीं दया मिलेगा। साहब कहते हैं कि चर्चा में लोग जाते हैं तो गुरु से पहले उनको चप्पल पर ध्यान रहता है, ये देखिए हमारा चप्पलवा कोई चुरा ना ले, ये चप्पलवा हमारा है। तो जिस दिन गुरु बहना लोग आप लोग कहते हैं कि हमको दया नहीं मिलता है, जिस दिन आपन मान जाइएगा कि शिव गुरु हमारे हैं, शिव हमारे गुरु, जिस दिन अपना बना लीजिएगा उस दिन आपको जीवन में धन हो जाएगा। का अपना बनाइएगा, कुछ नहीं बनाइएगा। चर्चा में जाते हैं तो गुरु भाई गुरु बहना सुनते हैं और घर आते हैं तो भुला जाते हैं। जिसको अपना बना लीजिएगा, जिसको दिल में बसा लीजिएगा, उसको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। ये साहब हक्का मार के कहते हैं कि आप लोग शिव को अपना बना लीजिए, हम कब तक धरती पर हैं और कब छोड़ के चला जाएंगे, फिर आप लोग ये शब्द सुनने के लिए तरसिएगा। तो भैया दीदी लोग कम से कम साहब का शब्द जो है उसको अपनाइए, दिल में जैसे शिव पुराण रामायण लिखाता है उसको उनके इतिहास में रामायण और पुराण लिखाएगा और 7 युगों तक ये चलेगा। साहब का जो वाणी जो बोल रहे हैं साहब बता रहे हैं, इस वाणी को अपना लीजिए और जैसे दिल में बसाना रहता है उसे बसा लीजिए, जीवन में धन ही धन हो जाएगा। साहब कहते हैं कि जबकि
मन से कोई कह दिया कि हे शिव गुरु आप हमारे गुरु हैं, हम आपका शिष्या हैं, आप मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु आपका हम शिष्या हैं, तब मेरे गुरु जिस दिन आप कह दीजिएगा उस दिन गुरु आपके हो जाएंगे। ये मत सोचिए कि संसार का गुरु है, संसार के गुरु में और आपके गुरु में बहुत अंतर है। और दीदी लोग, हम लोग का गुरु दूर नहीं है, गुरु हम लोग के पास ही में है। मन तन के लगा के तो देखिए और देखिए गुरु में कितना दया है, कितना होता है। अब साहब कहते हैं कि भोर में आप लोग उठ के और दया मांगिए, भोर धर्म कराते दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए उस समय, तो गुरुबहना लोग दूसरे कोई कह देता है कि नहीं नहीं 10 बजे 11 बजे जबे मौका मिले तबे दया मांगिए, ये कोनो मतलब है। और गुरु भाई गुरुबहना लोग कहती है कि दीदी लोग कहती है कि टाइम बांध लो, एगो टाइम बांध लो कि टाइम पर चर्चा करो और टाइम पर नमः शिवाय करो। और टाइम पर कहीं किसी तरह का घटना हो गया तो आप क्या कीजिएगा, उस समय नमः शिवाय कीजिएगा, दया मांगिएगा कि अपना घटना देखिएगा। तो दीदी लोग टाइम टेबल छोड़ दीजिए, मन में भगवान शिव को बसा लीजिए और बसा के और देखिए कितना आपको दया मिलता है, कितना अनुमतियाँ मिलता है। आज गुरु ने हम पर दया किए हैं, हम पर का किए हैं, जे जे गुरु के शरण में गिरा है नेत धर्म से अपना दिल खोल करके, उनको भी गुरु दया किया है। आज गुरु बहना लोग कह रही है कि दीदी हम भजन सुनने से हमको दुख दूर हो गया, तो भजन सुनने से दुख दूर नहीं हुआ, भजन सुनने से उनको दिमाग का ज्ञान खुला और उनको जो ध्यान है गुरु के तरफ गया और गुरु के जाके संदेश जोड़ा, इसीलिए वो अरपट के पर गई कि नहीं भजन सुनेंगे, दीदी के चर्चा सुनेंगे तो हमारा दुख दूर होगा। तो देखिए कि गुरु आपको मिले भजन और चर्चा के सहारे, गुरु मिलते हैं दिल को लगाने से, तो दिल लगाने से गुरु मिलते हैं, दीदी लोग ऐसे नहीं मिलते हैं। तो भगवान दिल लगाने से मिलते हैं, तो भजन एक मेरा सहारा हो गया है कि बहुत गुरु बहना लोग कहती है कि भजन सुनने से हमारा बहुत कुछ मिल गया दीदी। तो साहब यही बात के कहे हैं कि जो सो गया है उसको जगाइए, तो जगाने के लिए हमारा यही एक रास्ता था कि यही रास्ता हम संसार में छोड़ दिए कि दीदी लोग अपना शिव को गुरु बना लीजिए, कम से कम भजन सुन के चर्चा सुन के दीदी लोग के जो दिल है सुता हुआ है वो जाग जाएगा और गुरु के राह पर चल देगा। देखिए अब दीदी लोग जागी हैं, हर देश ले फोन आ रहा है कि दीदी हमारे देश में आइए और कुछ ना कुछ हम लोग का ज्ञान दीजिए, भजन और चर्चा सुनने से बहुत हम लोग का दिमाग खुल गया और हम लोग अपने गुरु के राह पर खड़ा हो गए हैं, गुरु के कार्य करने के लिए तैयार हैं, मेरा नाम घोषणा कर दीजिए। एक समय हम लोग भजन गाते थे कि नाही नाही करब तो बड़ा पछताइब, आज ना तो काल शिव के गुरु बनेब। तो देखिए गुरु भाई बहन लोग आज वही बात हुआ है, बहुत से हम लोग दुआरी दुआरी ठोकर खाए हैं, बोले हैं कि भैया लोग शिव को गुरु बना लीजिए, उस समय बहुत है हम लोग पर रोग लगा के बोलते थे गुरु भाई गुरु बहना कहाँ से शिव आए, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कहाँ हैं, कोई नहीं है, सबसे बड़ा अपना शरीर है, शरीर कौन दिया है, भगवान ने दिया है, महादेव ने दिया, ईश्वर ने दिया है, कौन दिया, तुम्हारा बाप दिया है, तुहे दिए है। तो दीदी लोग आज वो सपना हम लोग के पूरा हो रहा है, गुरु भाई गुरु बहन आज जागे हुए हैं भजन और चर्चा सुन करके। तो हम चर्चा और भजन करते हैं तो अपने ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर हमको लालच कोई चीज का नहीं है, हमको यही लालच है, मेरा दिल में अरमान है, अब तो हनुमान जी नहीं है कि सीना फाड़ के दिखा दे कि कोई देखेगा तो कहेगा कि नहीं, इस गुरु बहना दिल से अपने गुरु को पुकारती है, हमारा यही यही लालसा है, यही हमारा श्रद्धा है कि हमारे साहब जो इतना कष्ट परीक्षा लिए किए हैं लोगों के शीश बनाने के लिए, जो उनके तपस्या में सफल हो और हम लोग का भी संगे संगे जीव धन हो जाए, कि हमारे देश में हर गली गली में गुरु भाई गुरु बहना शिव शीश हो जाए और शिव के दिया जरने लगे, उस दिन हमारा साहब का संकल्प पूरा हो जाएगा, उस दिन हम लोग का भी अरमान बहुत कुछ पूरा हो जाएगा। दीदी भैया लोग हमारे साहब का वाणी समझिए, दिल का उनका आवाज समझिए, हम भी अपने दिल हृदय से बोलते हैं कि साहब का कम से कम आप लोग वाणी के समझिए, आ साहब सब कोई टीवी देखता है सांझ के, आ हमारे साहब अपना दिल का कंप्यूटर खोल करके लोगों के समाचार लेते हैं अपने गुरु भाई और गुरु बहना के, लेकिन लोग का गुरु भाई गुरु बहना साहब का समाचार नहीं लेते हैं।
देखिए क्या हम लोग इंसान हैं कि जो हमारे लिए मरता है उसके लिए हम नहीं मरते। अरे नैन खोल लो, नैन खोल के देखो, दिल का आवाज सुनो कि हमारे साहब का दिल का आवाज का कह रहा है। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना लोग, साहब जो तीन सूत्र दिए हैं वो तीन सूत्र के आप लोग तीन सूत्र मत समझिए, उसका अपना जीवन का आधार समझिए। आपका जीवन बिगड़ल हुआ मकदर सुधार देंगे महादेव और गुरु शिव गुरु हमारे। तो देखिए हमारे साहब तीन सूत्र दिए हैं कि पहला में दया मांगिए, दया मांगिए, अपना टाइम टेबल नत रखिए, अपना जो रात भर का दिन हम लोग का सोने का होता है, भोर में जो है धर्म का रात है, भोर में कम से कम उठ के, अरे दो घड़ी नत सुतिए ना, आ दो घड़ी कम से कम उठ जाइए, अपने हाथ गोड़ धो, चाहे हाथ गोड़े ठंडा में का धोना है, ऐसे टुटुरा के मर जाएंगे, जिस बिस्तर में उसी पर उठ के कम से कम भगवान के लिए दो घंटा समय गवाइए ना जी। दया मांगिए, नमः शिवाय कीजिए और अपने गुरु के प्रणाम कीजिए। देखिए कितना गुरु में दया है, ये साहब बात बताते हैं। और दूसरा में ये भी टाइम टेबल नहीं है कि चार चार आप टाइम से कीजिए, नहीं ये भी टाइम नहीं है। जब आपको मौका मिला, आपको फोन आया कहीं से, फोन पर बोला का हाल चाल है, बोलिए गुरु के दया से दीदी सब ठीक है, दीदी हमारे शिव गुरु में बहुत दया है, आप लोग भी मान लीजिए, बड़ी बड़ी अनुभूतियाँ मिली हमको मिला। चर्चा हो गया दीदी, टाइम टेबल नहीं लेना है। टाइम टेबल कौन कहती है, जब ना कि और कोई काम धंधा नहीं है, वो घर से फालतू है वही टाइम और टेबल देके सब कोई लोग के बांटती है। अपने तो लात जूता खैबे करेगी और लोगों के बताएगी तो वो भी लात जूता खाएगा, कैसे खाएगा भैया, ये बात का दुख मत मानिएगा। इसलिए लात जूता खाएगा कि वही टाइम पर बोला कि 12 बजे तुमको चर्चा करना है, 12 बजे उसको पति काम करके घरे आएगा, खाना मांगेगा, पानी मांगेगा, अब मेहरान घमंड में कहेगी कि हो अब हाथ गोड़ धो लिए हैं, जा रहे हैं गुरु के चर्चा करने के लिए, जाके खा लीजिए। उसमें का करेगा, वो तो भाई कमा के मौसम बना के अपना आएंगे, उसको तो दो गो आदमी रहेंगे, एक मौसम एक आदमी, तो उसका जोड़ा खिस हो जाएगा, तो का करेगा भाई, उस लाठी उठाएगा उस गुरबहना के पीठ के अधमुआ कर देगा कि तुम्हारे गुरु के पहले देखना है कि पहले उनको भोजन देना। तो वो आदमी जो ज्ञान देता है पिटवाने वाला काम करता है आपको आगे चढ़ने के लिए और घर में विवाह डालने के लिए। तो उस बात को छोड़ दीजिए, टाइम टेबल नहीं लेना है। जब आपको मौका है किसी से फोन करके दो बात बतिया लीजिए और आपको चर्चा सफल हो जाएगा। और रह गया का नमः शिवाय का, नमः शिवाय का भी टाइम टेबल नहीं है। आप पूरी रात खाली है, अपने परिवार को, अपने सदस्य को, अपने सवांग को बना खिया के आराम से बिस्तर लगा के सुता दीजिए, परिवार सही रहेगा तो आपका चर्चा और नमः शिवाय सही रहेगा। आपका परिवार सही नहीं रहेगा तो आपका नमः शिवाय सही नहीं हो सकता है। दीदी लोग शांति कीजिएगा तबे आपको सफल होगा। बढ़िया से खिला पिला के सुता दीजिए, अपना बैठ जाइए आराम से और नमः शिवाय कर लीजिए, करके सुतिए। कितना गुरु में दया है, कितना आपको जीवन सुखी से बीतेगा, यही चर्चा हम गुरु के चरणों में रखती हूँ और सभी गुरु भाई गुरु बहना के चरणों के प्रणाम प्रणाम स्वीकार कीजिए।